इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेवा रहे पाछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश रवाना। सम्मेलन में प्रधानमंत्री कया भारत री एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान रो है प्रमुख स्थान। G20 शिखर सम्मेलन री मेजबानी खातर नई दिल्ली पूरी तरह सुत्यार, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और मेहमाना रो आवारो सिलसिलो शुरू। अमेरिका रा राष्ट्रपति जो बाइडेन रो आज दिल्ली पुगबा रो है कार्यक्रम। भीलवाड़ा रा गुलाबपुरा में आयोजित किसान सम्मेलन में कांग्रेस रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता हुआ शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस अध्यक्ष रा भीलवाड़ा दौरा माथे साध्या निशानो। देश और प्रदेश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की मची है धूम। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर समेत दूजा कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं रो पुगबारो सिलसिलो जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीनी जन्माष्टमी की शुभकामनावां। प्रदेश में एक बार फिर मानसून रा सक्रिय होबासु कई ठोड़ा माथे हुई हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश। मौसम विभाग आज अरकाल कोटा और उदयपुर संभाग में एक दो ठोड़ा माथे भारी बारिश री जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलारों घणु घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेवा रहे पाछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश रवाना हो गया है। इनसे पहले प्रधानमंत्री सम्मेलन ने संबोधित करता थका कया कि भारत इंडोनेशिया की साझेदारी चौथा दशक में प्रवेश कर रही है। वे कया कि भारत री एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान रो प्रमुख स्थान है। प्रधानमंत्री कया कि आज वैश्विक अनिश्चितता रा माहौल में भी हर खेतर में वहां का आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री आज 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडोनेशिया की साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है और यह हमारे संबंधों की ताकत का प्रमाण है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वियतनाम के प्रधानमंत्री फाह मिन्ह चिन ने भी मुलाकात की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेवा रहे पाछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश रवाना हो गया है। इनसे पहले प्रधानमंत्री सम्मेलन ने संबोधित करता थका कया कि भारत इंडोनेशिया की साझेदारी चौथा दशक में प्रवेश कर रही है। वे कया कि भारत री एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान रो प्रमुख स्थान है। प्रधानमंत्री कया कि आज वैश्विक अनिश्चितता रा माहौल में भी हर खेतर में वहां का आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री आज 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लेना।
G20 शिखर सम्मेलन री मेजबानी खातर नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। सम्मेलन में भाग लेबा खातर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और मेहमानारो आबारो सिलसिलो शुरू हो गयो है। आज सुबह मॉरिशस रे प्रधानमंत्री नई दिल्ली पुग्या। अमेरिका रा राष्ट्रपति जो बाइडेन रो आज दिल्ली पुगबारो कार्यक्रम है। वठई सम्मेलन ने ले सुरक्षा रा बेहद पुख्ता इंतजाम करा गया है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नई दिल्ली पहुंचना लगातार जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आज भारत पहुंचने का कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एयरफोर्स वन एयरक्राफ्ट से भारत आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे पर पूछे जाने पर अमेरिका के सामरिक संचार के लिए NSA समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि दोनों नेता G20 के एजेंडे, विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय निवेश के अवसरों पर चर्चा करेंगे। You can expect that they will discuss the agenda for the G20, particularly the economic cooperation and multilateral investment opportunities that stand before the G20, and the president's strong desire to see multilateral development bank reform and reshaping continue. I have little doubt that they will also talk about the shared challenge of climate change and how much we are hoping to have a robust discussion at the G20 about a transition to clean energy technology and to see more countries, more G20 countries invest in more clean energy technology as well as efforts to curb greenhouse gases. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी काल जयपुर माए प्रदेश भाजपा मुख्यालय माए आयोजित प्रेस वार्ता माए कांग्रेस पार्टी माथे निशानु साध्या। वे कांग्रेस रा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रा भीलवाड़ा दौरा माथे तंज कस्ता तका कया कि वे भीलवाड़ा माए नाबालिग बालिका ने जिंदा जलावा और कुचामन माए हुई दलितारी हत्यारी घटना वारो भी जाय जो लेता तो बेहतर हो तो। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का प्रवास था और जैसा कि मैंने आपको सवेरे कहा था कि अच्छा होता खड़गे जी राजस्थान के हालात का जायजा लेते और जहां अत्याचार दलित अत्याचार हुआ है, दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, शायद उन स्थानों पर जाके आते तो राजस्थान की हकीकत पता चलती। भीलवाड़ा रा गुलाबपुरा माए काल किसान सम्मेलन नु आयोजन करियो गयो। सम्मेलन ने राष्ट्रीय कांग्रेस रा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करया। इन मौके घनी तादाद माए काश्तकार और कांग्रेसी नेता मौजूद रिया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कया कि राजस्थान रो स्वतंत्रता संग्राम और देश रा विकास माए अहम योगदान रियो है। वटही इन मौके कई योजना वाली प्रदर्शनी रो भी अवलोकन कराये गयो। देश भर माए आज कृष्ण जन्माष्टमी री धूम मची हुई है। मंदिरा माए सुवारे सुही घनी तादाद माए श्रद्धालु भगवान रा दर्शना खातर पुगरिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने जन्माष्टमी री शुभकामनावां देनी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार जन्माष्टमी पर्व की देश भर में धूम है। मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया गया है। कल देश के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। आज भी मंदिरों में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रकटोत्सव जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा, मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने, अमल में लाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। आइए इस शुभ अवसर पर हम जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ें और अपने समाज और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, श्रद्धा और भक्ति का यह पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। प्रदेश भर में भी कृष्ण जन्माष्टमी रो पर्व श्रद्धा भाव से मनायो जा रही है। कई ठोड़ा माथे कृष्ण मंदिरा ने आकर्षक रोशनी से सजायो गयो है। जयपुर रा गोविंद देव जी, कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और अक्षरधाम समेत कई मंदिरा में भगवान री आकर्षक झांकियां सजाई गई है। अठहरा कृष्ण बलराम मंदिर में आज सुबह भगवान रो पंचामृत से भी अभिषेक करो गयो है। जगतपुरा के हरे कृष्णा मार्ग स्थित श्री कृष्ण बलराम मंदिर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर भगवान का सुबह महाअभिषेकम किया गया है। 108 दिव्य पदार्थों से भगवान का ये महाअभिषेकम, जिसमें भगवान को जल से, फूलों से, फलों के रसों से भगवान का अभिषेक किया गया और भगवान की मंगला झांकी सुबह 4:30 बजे खुली। हजारों की मात्रा में भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व माथे कृष्ण जन्मभूमि से लहर छोटी काशी जयपुर ताई कृष्ण जन्मोत्सव रो कार्यक्रम मनायो जा रियो है। शहर रा आराध्य गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में भी जन्माष्टमी पर्व ने लेर खास इंतजाम कराया गया है। तेज गर्मी ने देखता थका इन बार मंदिर में बिछायत और शेड री व्यवस्था भी करी गई है। मंदिर में लाखों की तादाद में श्रद्धालुआ खातर ठाकुर जी रा दर्शना ने लेर प्रशासन खास बैरिकेड्स लगाया है। मंदिर प्रशासन का निशु झांकिया रूटीन भी बढ़ायो गयो है। सुमारे 4:30 बजे से रात 12:30 बजे जताई 9 झांकियां सजाई जावेली। बठई मंदिर प्रांगण माए के सत्संग मंडला का निसु सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि बहार बहरी है। मध्य रात्रि ने आराध्य रो दूध गुलाब सु जल अभिषेक करियो जावेलो। पेश है का संवाददाता राहुल शर्मा दी रिपोर्ट। सबको यह समझाइश की गई है कि भाई श्रद्धालुओं के साथ में अच्छे संयमित व्यवहार करें। श्रद्धालुओं से भी आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि वो भगवान के दर्शन को आए तो संयमित तरीके से व्यवहार करें, भीड़ भाड़ से बचे। सब हर तरह की व्यवस्था पुलिस के लिए और जनता के लिए बिल्कुल माकूल व्यवस्था हमने की है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कृष्ण जन्माष्टमी री प्रदेशवासियों ने हार्दिक शुभकामनावां देनी है। राज्यपाल अपना संदेश माए सबसु धर्म, सत्य और न्याय रा मार्ग माथे चाल बारो संकल्प लेता थका श्रीमद भागवत गीता रा जीवन दर्शन ने आत्मसात कर बारो आवाहन करया है। वटही मुख्यमंत्री कहा कि भगवान श्री कृष्ण रो जीवन अपने खातर प्रेरणा स्रोत है, विमाने सकारात्मक रहबा और कर्म करबारी सीख देवे है। श्रीगंगानगर जिला में बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी रोग से किसानों ने घणो नुकसान हुयो है। जिला में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में बीटी कॉटन री फसल री बुवाई करी गई है। किसानों रो कहना है कि पहली पानी री कम आवक होबा और अब गुलाबी सुंडी रा प्रकोप से फसला ने घणो नुकसान हो रियो है। काश्तकार जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपर नुकसान रो उचित मुआवजा दिलाबा रो अनुरोध करो है। वटे कृषि विभाग रो कहना है कि इन रोग से बचबा खातर पुरानी फसल रा अवशेषा ने खेता से दूर रोकनो चाहिए, साथ ही फसल माए फूल आबा माथे फेरोमेन ट्रैप लगाई ली। सुंडी का प्रकोप सबसे पहले साउथ इंडिया में आया था, उसके बाद पंजाब में, तो अब बढ़ता बढ़ता राजस्थान में आ चुका है। अभी तक जो भारत में सीड उपलब्ध है वो पिंक बॉलवर्म 2 है, BT2 उपलब्ध है। जब मैंने पता किया तो विकसित देशों में BT3 और BT4 का बीज अब मार्केट में उपलब्ध है। अभी तक BT3 के लिए कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन आगे से लिपा पोती होनी शुरू हो गई है। कह रहे हैं ये जो पिंक वॉलवर्म है इसके ऊपर BT प्रभावित नहीं है। प्रदेश में एक बार फिर मानसून का सक्रिय हो बासू लाड़ला 24 घंटा में कई थोड़ा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई है। इन दौरान राजधानी जयपुर में भी काल सिंजिया कई थोड़ा माथे हल्की बारिश हुई। इनके अलावा पारली जिला री सोजत सिटी में तेज बारिश हो बासू सड़क माथे पानी भर गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर का निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आज और काल कोटा और उदयपुर संभाग में 1-2 थोड़ा माथे भारी बारिश री संभावना है। वटही पश्चिमी राजस्थान रा बीकानेर और जोधपुर संभाग में कोई थोड़ा माथा हल्की बारिश हो सके है।
और चालबाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरां। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेवा रहे पाछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वदेश रवाना। सम्मेलन में प्रधानमंत्री कया भारत री एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक पहल में आसियान रो है प्रमुख स्थान। G20 शिखर सम्मेलन री मेजबानी खातर नई दिल्ली पूरी तरह सुतैयार। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और मेहमाना रो आबारो सिलसिलो शुरू। अमेरिका रा राष्ट्रपति जो बाइडेन आज दिल्ली पुगबा रो है कार्यक्रम। भीलवाड़ा गुलाबपुरा में आयोजित किसान सम्मेलन में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेता हुआ शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस अध्यक्ष का भीलवाड़ा दौरा माथे साध्यो निशाणु। देश और प्रदेश भर में कृष्ण जन्माष्टमी री मची है धूम। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर समेत दूजा कृष्ण मंदिरा में श्रद्धालुओं रो पुगबारो सिलसिलो जारी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीनी जन्माष्टमी री शुभकामनावां। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून रो सक्रिय होबासु कई ठोड़ा माते हुई हल्की सु मध्यम तल जारी बारिश। मौसम विभाग आज और कल कोटा और उदयपुर संभाग में एक दो ठोड़ा माते भारी बारिश री जताई संभावना। राजस्थानी समाचार में फिलहाल अत्रोही नमस्कार।